मैंने इस चैनल पर डिफरेंट टाइप के स्मार्ट वॉचेस को रिव्यू किया है, लेकिन अपने लिए पहली बार मैंने एक स्मार्ट रिंग मंगाई है और ये है पाई रिंग एक्स। मार्केट में आने वाली स्मार्ट रिंग्स में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो उनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, दूसरी वो थोड़ी सी बल्की लगती हैं। लेकिन ये जो पाई रिंग एक्स का फॉर्म फैक्टर ऐसा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल रिंग की तरह दिखती है, जैसे हमारे गोल्ड एंड सिल्वर की रिंग होती है। वीडियो में सब कुछ बताता हूँ पाई रिंग एक्स के बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं इसका बॉक्स कॉन्टेंट। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स पैकेजिंग में पाई रिंग एक्स आती है और इसमें तीन कलर आते हैं, वो बॉक्स में ही दिख जाएगा। और साइड में इस रिंग के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन किए गए हैं। जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर रिंग देखने को मिलती है, उसके अलावा एक चार्जिंग डॉक है। तो बेसिकली इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर में रिंग रखते हैं तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर बॉक्स में एक टाइप ए टू टाइप सी की केबल मिलती है इस चार्जिंग डॉक को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा ये थ्री कार्ड्स जो है वो बॉक्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक यूजर मैनुअल मिलती है जिसके QR कोड को स्कैन करके इस रिंग का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। एक थैंक यू कार्ड मिलता है और फ्यूचर में कभी आपको दूसरी कोई रिंग वगैरह खरीदनी हो तो एक गिफ्ट कार्ड मिलता है, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो अपने नेक्स्ट परचेस में डिस्काउंट पाने के लिए। मेरे पास इस रिंग का सिल्वर कलर है, इसमें गोल्ड एंड ब्लैक कलर भी आता है। और पाई रिंग एक्स वर्ल्ड की फर्स्ट स्लिमेस्ट लाइटेस्ट एंड थिनेस्ट स्मार्ट रिंग है, जिसको ये प्रूफ करती है, क्योंकि इसका जो एलॉय है ये पूरा टाइटेनियम बिल्ड है और टाइटेनियम होने के मल्टीपल एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे कि इस रिंग का वेट सिर्फ 2.5 ग्राम है, इसकी जो स्ट्रेंथ है कंपेरेटिवली दूसरे मटेरियल से वो बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी महीनों तक यूज करने पे इसमें कुछ मेजर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। इस रिंग के अंदर में मल्टीपल टाइप्स के सेंसर यूज किए गए हैं जो हेल्थ डेटा को मॉनिटर करते हैं, और जब इस रिंग को अपने फिंगर्स में पहनते हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल रिंग की तरह दिखती है, जैसे हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर रिंग्स होती हैं। तो दिखने में ये रिंग कहीं से भी स्मार्ट नहीं दिखती है, बिल्कुल इसका जो फॉर्म फैक्टर डिजाइन है वो नॉर्मल रिंग्स की तरह ही है। इसको किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं, फिलहाल मैं इसको अपने इंडेक्स फिंगर में पहन रहा हूँ और ये दिखने में ना बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। ये पाई रिंग एक्स डिफरेंट टाइप के हेल्थ डेटा को मॉनिटर कर सकती है, लेकिन उस डेटा को देखने के लिए पाई रिंग ऐप की रिक्वायरमेंट होगी, और इसका जो ऐप है वो ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे इसकी ऐप को इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो माय रिंग पे क्लिक करके सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना होगा, और अकाउंट जैसे बन जाएगा आप यहाँ पे जाके पेयर कर सकते हो, क्योंकि इस रिंग में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है। तो इंस्टेंट रिंग का नाम दिखेगा, क्लिक करते ही ये कनेक्ट हो जाएगा इस ऐप के साथ में। और माई हेल्थ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा डेटा अपना देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पहले तो पेडोमीटर मिल जाएगा जहाँ पर डे भर की पूरी एक्टिविटी दिख जाएगी, कितने स्टेप्स चले हो, कितनी कैलोरी वगैरह बर्न हुई है। इसके बाद में लेटेस्ट डेटा पे यहाँ पे देखोगे तो लाइव डेटा पे क्लिक करके आप रियल टाइम डेटा को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, टेम्परेचर वगैरह का यहाँ पे लाइव डेटा दिखा देगा। और इसमें मल्टीपल टाइप्स के और ये हेल्थ डेटा को मॉनिटर कर सकता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन पे क्लिक करके अपना SpO2 लेवल देख सकते हो, तो यहाँ पर एवरेज दिख जाएगा। इवन आपको प्रीवियस डेट का देखना है तो यहाँ पे चार्ट पे प्रॉपर टाइम के साथ में देख सकते हो कितना SpO2 लेवल रहा है। ऐसे ही स्लीप स्टेजेस दिख जाएगा, आपका पूरा स्लीप डेटा ये दिखाएगा, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, और यहाँ पे जो है REM रैपिड आई मूवमेंट भी दिख जाएगी। और इसका भी आप डे वाइज डे डेटा यहाँ पर देख सकते हो, ग्राफ पे क्लिक करके प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हो। सेम ऐसे ही हार्ट रेट डेटा का भी है, हार्ट रेट डेटा का भी पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एवरेज कितना है या फिर मिनिमम और मैक्सिमम कितना गया है, वो सारा रिपोर्ट यहाँ पे पूरा चार्ट समेत देखने को मिल जाएगा। और आप जो हर दिन वॉक करते हो, टुडे वॉक पे क्लिक करके उसका भी डेटा देख सकते हो, टाइमिंग के साथ में प्रीवियस डे का भी डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। और ऐसे ही टेम्परेचर एंड HRV डेटा देख सकते हो, यहाँ पे भी डिटेलिंग मिल जाएगी, एवरेज कितना रहा, मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा, किस टाइम पर कितना टेम्परेचर रहा या फिर HRV डेटा रहा, वो पूरा ग्राफ पूरी डिटेल के साथ में इसमें देखने को मिल जाएगा। इस रिंग के डेटा को मैं ऑक्सीमीटर के साथ भी कंपेयर करता हूँ, लेकिन इस स्मार्ट रिंग के हेल्थ डेटा को सिर्फ आप रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई हेल्थ इशू आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके। चाइनीज स्मार्ट रिंग में 18mAh की बैटरी यूज की गई है, जो अप टू 6 डेज का बैटरी लाइफ ऑफर करती है, और ये फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करती है। तो 0 to 100% होने में इसको सिर्फ 30 मिनट का टाइम लगता है, और ये IPX8 रेटिंग के साथ में आती है। डेट मीन्स आप इसको 3 meters पानी के अंदर लेके जा सकते हो, स्विमिंग शावर करो या फिर बरसात में भी, वो कोई भी इशू इसमें नहीं होने वाला है। पाई रिंग एक्स 7 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, 16 से 22 नंबर्स के बीच में। तो अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज ही सिलेक्ट करके ही ऑर्डर प्लेस करिएगा, और परफेक्ट साइज का आइडिया मिल जाएगा आपके नियर बाई जो ज्वेलरी स्टोर है, वहां पे जाके अपना रिंग साइज मेजर कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पाई रिंग की वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करके बिल्कुल परफेक्ट स्मार्ट रिंग अपने लिए मंगा सकते हैं।
एक्सपायरिंग एक्स पर मिल जाती है 1 ईयर की ब्रांड वारंटी। तो कभी फ्यूचर में इस रिंग में कुछ भी इशू आता है तो डायरेक्ट ब्रांड से कनेक्ट करके आप अपना इशू रिजोल्व करा सकते हो। एक्सपायरिंग एक्स को परचेस कर सकते हो 11,999 रुपीस का। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के टाइम पर क्यों हमें स्मार्ट रिंग को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए कंपेरेटिवली स्मार्ट वॉच? देखिए, स्मार्ट रिंग के एडवांटेजेस काफी सारे हैं। पहली बात तो आप इसको अपने फिंगर्स में 24/7 पहन सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल रिंग्स की तरह होती हैं और कांस्टेंट आपका हेल्थ डेटा भी मॉनिटर करती हैं। वहीं पर जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं उनको तो पहली बार 24 आवर्स कोई नहीं पहनता, तो 24 आवर्स का डेटा भी आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा भी जैसे समर का सीजन चल रहा है तो मुश्किल से 1-2 घंटे अगर स्मार्ट वॉचेस को पहन लो तो काफी ज्यादा स्वेटिंग और कुछ लोगों को एलर्जी होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो स्मार्ट वॉच की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको आप पहन ही नहीं सकते रेगुलर बेसिस पे। और वहीं पर अगर आप कभी वर्कआउट करने जाते हो तो स्मार्ट वॉच को आपको बार बार पहनना पड़ता है, इस वजह से जिससे आपको आपका हेल्थ डेटा मिल पाए, वो भी हेल्थ डेटा बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं मिलता है जितना आपको स्मार्ट रिंग दे सकती है, क्योंकि ये हमेशा आपके फिंगर्स में रहती है। जैसे आप वर्कआउट करने जाओ तो आपको हेल्थ डेटा कॉन्स्टेंट बेसिस पे मिल जाएगा। इवन जब आप वर्कआउट करके आते हो तो इसके ऐप में डिटेल देख सकते हो कि वर्कआउट के पहले आपका हेल्थ डेटा कैसे था, वर्कआउट के बाद में क्या कुछ चेंजेस हुए। तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं स्मार्ट रिंग को लेने के, एक्सपायरिंग एक्स को देख सकते हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस रिंग से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।